हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, बस मॉर्निंग से ऐसे लग रहा है कि जैसे जुकाम होगी, क्योंकि हल्की हल्की छींकें आई जा रही है मेरे को, 3-4 बार हो गई। और अभी दोस्तों मैं मतलब बाहर के जो काम होते हैं भाई, झाड़ू वगैरह मतलब मकान के साइड में से भी निकाला था, सब जगह से झाड़ू निकाल दिया है मैंने। और अभी क्या आर्यन जग गया है तो उसको चाय पिलाने के लिए आई थी। तो आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। मीन्स कि आज जलवा पूजन का डे है दोस्तों, और उसमें जो सबसे पहले रस्म होगी उसकी तैयारी चल रही है। मतलब हम मॉर्निंग में है ना 4-4:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि तब जाके जो 11 बजे की है चूड़े की रस्म, तो वो टाइम पे हो पाएगी। तो उसके लिए सारे कामों को फ्री कर लेते हैं फटाफट से। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर, जो भी काम है उनको फ्री करूंगी, फिर बाद में उसके बाद में दीपू को नहलाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिए दोस्तों, और जो भी न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड आप सबका प्यार और सपोर्ट बना के रखे। तो मैं चलती हूँ अभी थोड़ी देर में बाहर। ये नहीं जाने देता दोस्तों, मैं अभी तक है ना मेरा कोई आधे से भी ज्यादा काम खत्म हो जाता, लेकिन ये है ना मेरे को बाहर ही नहीं जाने देता। अब जा रही हूँ मैं बाहर, ठीक है ना? ऐसा बदमाश बच्चा है ये। इधर हमारा बाबू तो सारी रात ही नहीं सोता है दोस्तों, जगा के रखता है। ये तो दिन भर सोता है, सारी रात जगा के रखता है, क्योंकि मैं ये वाला वर्ड है ना हर ब्लॉग में बोल रही हूँ, क्योंकि रियल में नहीं सोता है ये, डे में बिल्कुल भी। तो भाई डे में तो सोता है, नाइट में नहीं सोता है बिल्कुल भी। इतनी सारी तो टॉयलेट करेगा। अरे मेरी मेहंदी की आदत है, मैं पहले वॉश करके आऊंगी, और मैंने मेहंदी भी लगाई थी नाइट में, तो मेरे को लड़ रहे थे शाम को भी लड़ रहे थे, तो मैं इनको वॉश करके आप लोगों को भी मेरी मेहंदी दिखाऊंगी पूरी, और फिर लूंगी बाबू को गोदी में। चाय वगैरह हमने पी लिया, चाय तो आज तो सबसे जल्दी पी, 4 बजे हो गए थे दोस्तों हम लोग। तो भैया मेहंदी के बजाय चाय तो हो जाए, ये बोलते जो रहा धीरे धीरे। चलते हैं दोस्तों बाहर। बाबू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो गुड मॉर्निंग बेटी, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है। पिया जी दोना में। हाँ चेने दोना, इनको देखिए दोनों को कैसे बाल पता नहीं कहाँ जा रहे, उत्तर में जा रहे। लो चाय पी लो फटाफट। यार पिया जी को दे दिया चाय, और अभी मैं बाहर जा रही हूँ निकालूंगी दूध। तो गाइस देखो, ये तो मैंने मॉर्निंग में कर लिए थे सारे काम, और अभी मैं करूँगी काम मिल्किंग। तो इसका दूध निकाल लेती हूँ अभी। मुन्नो मुन्नो दूध निकाल ले। तो अभी कर रही हूँ दूध को गर्म, ताकि इसको है ना गर्म होने के बाद में छान के रख दूँगी, जब भी चाय बनाऊँगी तो फटाफट से बना लूँगी। तो अभी गर्म करके फिर अच्छे से रख रही हूँ, कोमल लेके आ गई है बर्तनों को जमाने के लिए। सारे बर्तन बाहर बिखरे पड़े थे शाम को रे, तो उनको अच्छे से जमा देते हैं। अभी भर रही हूँ मैं माच के पानी, क्योंकि आज भोग वगैरह भी लगेंगे ना, तो उसके लिए पानी भर रही हूँ। तो दोस्तों अभी इधर हो रही है चूड़े की रस्म भाई, और हमारी सबसे छोटी ननद भाई पेरा रही है चूड़ा, क्योंकि 12:15 का था, तो बुआ जिया तो कोई आई नहीं, और ननद भाई का भी काम खत्म नहीं हुआ इससे बड़ी वाली का। तो हम कोई बात नहीं, रस्म करवा रहे दोस्तों, क्योंकि ये तो टाइम से ही होती है ना ये वाली रस्म। तो अभी चार हुई पूरी करे, 5-5 को से 4-4 को। आप उसको लोरी सुनाओ देना, जिसको काम कर रहे तू। हाँ तो भाई सुमे पेरा पेल पे। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है हमारे चूड़े की रस्म बोलते हैं इसको भाई। ननद पहनाती है। हाँ तो हाथ लगा ला, तू डाल दे पंदर, हाथ लगवाते हैं दोस्तों इसे। नेग होता है एक, ये वाला देखते हूं किस किस के मिलता है, किस किस के होता है दोस्तों, ये भी कमेंट करके बताना भाई। दोस्तों मैया को मिला है भाई 500 रुपए का गिफ्ट, एक ड्रेस का। बाबू रो रहा है उसके लिए, ये बड़ा बाबू डांट रहा है, हमारा बाबू रो रहा है देखो, इसलिए मेरे को आर्यन डांट रहा है। आजा आजा बाबू रो रहा है। दोस्तों हमारी बुआ जी आ गई है भाई, लेट आके ग्रीन कलर की सूती ओढ़नी ऑर्डर की बुआ जी। आर्यन देखो बुआ जी क्या लाई है आपके लिए। पानी ले रखो अभी।
तू ले रहा हूँ जा रहे भैया बयान के रिचे बुआ जी लेके आए देखो टेडी बियर बाबू से मोटा तो टेडी बियर ही है बाबू का पकड़ो पकड़ो सुंदर अर्जुन तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुकी हूँ नहा के और आज तो मतलब 2:30 बज रहे हैं। नहा के तो आ गए है ना पर पल्ला नहीं किया अभी तक और मेरे बाल भी नहीं बाहे जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत मतलब चूड़ा वगैरह कपड़े पहन लिए और बाहर काफी सारे मेहमान आ गए तो मैं बताई देखो कैसे आवाज आ रही है दोस्तों दोबारा से चाय चाय बना रहे दोस्तों थोड़ी सी कम पड़ गई थी 2-3 बार बना ली मान लो क्योंकि कोई ना कोई मेहमान आने जा रहे हैं बिग टू में और अभी पिन वगैरह बाद में लगाऊंगी जब टाइम मिलेगा तो अभी क्योंकि चाय भी ऐसे ही बनाऊंगी इसके बाद में काम मिल्किंग करना है पीछे बैठी वो है कौन मन पूछ रहे छा भाई कौन आए जो महाराज भी मन पूछ रहे छो भाई भाभी कौन फिर यह सबने दोस्तों चाय से फिर होके इधर आ गई हूँ बर्तन वगैरह साफ करने के लिए मेरे पापा को भी खराब हो गया तो चाय के चक्कर में और देखो अभी तक भी गाय का दूध नहीं निकाला मैंने ना इतनी देर में है ना पर 5 ऊपर चाय बना ली फिर कम पड़ जाए फिर बनाओ फिर कम पड़ जाए आप लास्ट में तो बगू नहीं भर के ही बना दिया अभी बगू नहीं को तो मैं छोड़ूंगी बर्तन वगैरह आई हूँ साफ करने के लिए क्योंकि ये थोड़ी काफ़ी ज़्यादा ना जल गई है बगू और फिर निकाल लेती हूँ दूध अब बनाऊंगी क्या दोस्तों दलिया चढ़ रहा है गैस पे और है ना इतने देर से मेरे को ना पिन लगाने का टाइम नहीं मिला पिन नहीं लगा पाई और दीपू बुला रही है मेरे को अंदर वो प्रिया है ना जाने के लिए बोल रही है दोस्तों अभी तो देखती हूँ मैं जाके उसको मना करती हूँ क्योंकि अभी तो देखो खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ लेट ही बनेगा थोड़ा टाइम नहीं होना अभी 3 ही बजे हैं तो अभी तो सब्जी बन रही है तो मैं जाके उनको भी रोकती हूँ और ये काम कर लेती हूँ दोस्तों दलिया लेके घर क्या छोड़ो घर में है ना फंक्शन होता है ना तो इतना सारा काम होता है भाई आज समझ में आया मेरे को भाई बहुत सारा काम होता है मैं तो ये सोचती हूँ कोमल की शादी में ये करूँगी और भी टाइम ही नहीं मिलेगा टाइम तो मिलेगा पर है ना ऐसे फ्री टाइम नहीं मिलेगा भाई फ्री तो भाई इतने छोटा सा फंक्शन है दोस्तों बिल्कुल छोटा सा ऐसे नहीं बिल्कुल बड़ा है नहीं बस हमारे आसपास का है ना हमारे रिश्तेदार है उनकी को तो उसमें इतनी सारी 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा यार अभी तो दूध निकालने के बाद भी मेरे को काम दिखे जा रहे हैं अभी प्रिया को छोड़ के आई थी दोस्तों वो क्या है कहीं शादी में जाएंगे तो काफ़ी देर पहले आ गई थी वो तो फिर अभी चली गई मैंने काफ़ी रोका पर रुकी नहीं वो अरे तो इसको तो उधर कर ले तो दोस्तों आज तो देखो मैंने उस टाइम पे बताया ना लच्ची खराब है दूध निकालती टाइम भी तो पता नहीं पेड़ में क्या हो गया दर्द हो रहा है चले जा रही हूँ कचोटा बांधती ही नहीं हूँ कभी भी एक मेहंदी भी मेहंदी चढ़ा दी थोड़ी देर में बिल्कुल भी रंग नहीं आया इसमें क्या बाबू रोने लग गया था तो इस वजह से मैंने मेरे दोस्तों खूब रंग आया है देख लो नाइट रही है तो इसकी तो कुछ भी रहे प्यार ज्यादा है भाई आप घंटे में कौन सा प्यार देखेगा भाई आज तो प्यार तो प्यार होता है दोस्तों उसके लिए टाइम की जरूरत तो अभी इसका मुंह उतर रहा है दोस्तों बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है
और मॉर्निंग से क्या है थोड़ी बाबू को भी रख रही है उधर बाहर बैठना रही थक गई है देखो थोड़ा प्रोग्राम है तो उसमें ऐसे आज तो बिल्कुल भी आराम नहीं है बैठे सारे दिन भर बैठी बैठी परेशान हो गई हूँ। अब ये तो यही बैठे बैठे परेशान हो रही मैं तो फिर भी इधर उधर डोल रही हूँ ना तो वो थोड़ा ठीक लग रहा है पर एक जगह बैठे बैठे तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं टाइम ही नहीं निकलता ऐसे और लगता है पता नहीं बाहर क्या कर रहे हैं भाई ऐसे आ भी नहीं रहे ऐसे रहता है उसमें। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं अभी 4:30 ही बजने वाले हैं टाइम का पता बाबू दीवार पे ऐसे मत करो ना बाल खराब हो जाएगी तो टाइम का तो पता नहीं लगा और देखो इन वगैरह कुछ भी नहीं लगा देखो ऐसे कैसे ही और अब शाम का जो प्रोग्राम है ना मतलब उसका तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा सेकंड ब्लॉग में आएगा भाई सेकंड पार्ट रहेगा वो तो आप दीपू से करो बातें में तो थक ही गई आज तो थोड़ा सा कुछ कह दो दोस्तों को फिर इस ब्लॉग को नहीं एंड करेंगे उसके बाद में वो जो बाकी सारा रहेगा ना शाम के बाद में वो इवनिंग सेकंड वाला ब्लॉग रह जाएगा वो क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस आज की है ना तैयारियां चल रही है बाहर खाने वगैरह बनाने की और जो चूड़े की रस्म थी वो भी हो गई है अब जो श्रृंगार वगैरह करना है मेरे को ऐसे बोल रहे चूड़े के बाद में कर लेना चाहिए था तो मैंने ना लगाया क्योंकि हमारे है ना मतलब जो ननद थी ननद मेरी ननद है वो नहीं आई थी और ये सब चीजें है ना वो ही करते है ये सब चीजें करनी है अभी मेरे को और धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे हैं लेकिन शाम को जाके है ना ज्यादा आएंगे शाम को अभी तो ना धीरे धीरे है ना एक की दुख के आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी तो मेरे को ना पूरी जाने में चक्कर लगा के आना है दोस्तों तो अभी मैं जाऊंगी फुआ भोजन के लिए कहने तो हम इस ब्लॉग को अभी यही समाप्त कर रहे हैं दोस्तों और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग को देखना मत भूलना हमारा उसमें लुक भी होगा न्यू लुक क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं और दीपू कैसे रहेगी पीला पहनेगी भाई ये फर्स्ट बार तो ब्लॉग को आप दोस्तों जरूर देखना। तो और अभी हम कर लेते हैं काम तो थोड़ा तब तक ये काम कर ली जो लगाना है वो ये टाइम निकले जा रहा है बाल मैं बाल तो मेरे खुद ने भी नहीं पाया यार सारे दिन फोन देख तो बाय बाय दोस्तों गुड इवनिंग गुड इवनिंग।